सरस्वती पूजा के मौके पर बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित स्टार क्लासेस के मैट्रिक टॉपरों को पुरस्कार के रूप में कोचिंग के द्वारा रेंजर साइकिल से सम्मानित किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए स्टार क्लासेस के संचालक राघव झा ने बताया कि वर्ष 2017 से स्टार क्लासेस बेनीपट्टी संसारी पोखरा रोड कुटी के समीप संचालित है। शुरुआती वर्ष से ही हम अपने यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों के लिए इनाम के रूप में साइकिल देने की घोषणा की थी। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में जो छात्र 400 से अधिक अंक हासिल करते हैं उनको सरस्वती पूजा के दिन सम्मान कार्यक्रम आयोजन कर रेंजर साइकिल वितरण किया जाता है। दरअसल इसके पीछे बच्चों के बीच पढ़ाई को लेकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए किया गया है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी इस वर्ष व पिछले वर्षों में भी देखने के लिए मिला है। जिस वर्ष हमने इसकी घोषणा की थी वह वर्ष सिर्फ एक छात्र ने यह पुरस्कार हासिल किया था, लेकिन अगले वर्ष से इसकी संख्या बढ़ी और हर वर्ष 3 से 4 बच्चे मैट्रिक परीक्षा में 400 से अधिक अंक हासिल करते हैं। कोचिंग का टॉपर होने के नाते इन सभी बच्चों को पुरस्कार स्वरूप रेंजर साइकिल वितरण किया जाता है, जो कि बच्चों के बीच उत्साह को बढ़ाए रखता है। देखिए, ये साइकिल की बात हो, जो ये प्रयोजन जो मैंने किया है, ये जब मैं कोचिंग खोला था उसी समय से दिया था कि जो 400 या 400 से प्लस अंक लाते हैं उनको रेंजर साइकिल से सम्मानित करेंगे। इसका कारण यह है कि बच्चे आगे बढ़े, एक लालसा हो जाए कि मुझे साइकिल लाना है। जो फर्स्ट जन करने वाले हैं वो और मेहनत करके 400 प्लस की ओर भागेंगे और जो 400 प्लस की ओर भागते भागते ऐसा हो जाएगा कि उनके जो विषय होगी सभी सब्जेक्ट की वो मजबूती हो जाएगी और उनको इनाम मिलेगा। इस इनाम की खुशी में लोग और मेहनत करते हैं। जिस समय की बात हो, जब मैं साइकिल का प्रयोजन रखा था तो एक स्टूडेंट 400 प्लस लाए थे, उसके बाद फिर 3 स्टूडेंट, इस बार 4 स्टूडेंट लाए हैं और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मैं पूरी तरह से कोशिश में हूँ और स्टूडेंट भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। लगता है कि इससे प्लस यानी 8 से 10 हो सकता है। इस बार कितने बच्चे आपके कोचिंग से 10वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं? इस बार जो है 86 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। उम्मीद है वो बच्चे बेहतर परिणाम हासिल। बहुत बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। बच्चों का नाम बताएंगे जिन बच्चों का आज पुरस्कृत किया गया है कोचिंग की तरफ? आज 4 स्टूडेंट है, जैसे कि प्रथम स्थान जो है सिबोल के, आप देख सकते हैं इधर, सौरभ कुमार कारक हैं, और द्वितीय स्थान अभिषेक कुमार प्रधान है जो दामोदरपुर के हैं, और तृतीय स्थान दिव्यांशी झा जो बेहटा के हैं, और चतुर्थ स्थान जो है अभिषेक परजियार जो दामोदरपुर के हैं। 426 नंबर मेरा आया था और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ईजी होता है। अगर इस कोचिंग में आने के बाद 450, 470 ईजी लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 450 और 470 में ही बात चलता है, उससे नीचे नहीं चलता है। तो यहाँ पर आने के बाद सब कुछ आसान लगने लगा, पहले बहुत ज़्यादा लगता था 425 और 450, तो उतना ईजी नहीं होता है। बस नियमित रूप से एक साल तक अगर पढ़े तो आ जाता है। मेरा जो मतलब जो अंक है मेरा 420 है, और यही मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो कोई अगर मेहनत करना चाहे तो आसानी से ला सकता है, क्योंकि जो हम अध्ययन कर देते हैं और उसी के थ्रू मतलब हमें क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है या उसे उसी के मतलब लेवल में जो पूछता है ना, मतलब अच्छे से हर ढंग से अगर मेहनत करे तो अच्छा मतलब अंक आ जाएगा। मेरे एग्ज़ाम में मुझे 404 अंक आया था और ये सब भाई जी की वजह से हुआ। और सबसे ज़रूरी सेल्फ स्टडी भी होती है, लेकिन जो हमारा एक कोच होता है जो हमारे गोल को पाने में हमारी मदद करता है, वो अगर बेहतर हो तो हम लोग किसी भी गोल को आसानी से पा सकते हैं। तो हमारे भाई जी जो हैं बहुत अच्छे कोच की तरह हम लोगों को ट्रीट किए उन्होंने, तो बहुत अच्छा हम लोगों का हुआ एग्ज़ाम। मेरा 10th एग्ज़ाम में 400 नंबर आया था और ये जो कुछ भाई राघव भाई की तरफ से हुआ है वही जो कुछ किया है, और सेल्फ स्टडी करने से भी यह सब होता है।